दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं ओप्पो 71 CPH1801 के बारे में। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं अभी ये कंप्यूटर मेरे एक सब्सक्राइबर का है, उड़ीसा से है ये, और इसके पास ओप्पो 71 मोबाइल है और जिसका CPH1801 है, ठीक है, मॉडल नंबर, ठीक है। और इस मोबाइल के अंदर में इसके जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि यूएमटी डोंगल से जो है किसी फाइव टूल से किस तरह से आप ओप्पो 71 CPH1801 का जो है पैटर्न लॉक को रिसेट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल को जो है आइडियल मोड में लाना है। आइडियल मोड में जैसे आप मोबाइल को लाते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल जब आइडियल मोड आ जाएगा आपका, ठीक है, तो आइडियल मोड आ चुका है हमारे डिवाइस में। आइडियल मोड जब आ जाएगा आपको क्यूसी फायर टूल को आपको ओपन कर लेना है। क्यूसी फायर टूल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जेनरिक मेथड जो है यहाँ पे आपको नहीं लेना है, आपको ओप्पो मेथड लेना है, ठीक है। तो ओप्पो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो है, तो ओप्पो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसका मॉडल नंबर सिलेक्ट करना होगा, जैसे इसका मॉडल नंबर है CPH1801, इसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसका जो है पैटर्न लॉक को रिसेट करना है, ठीक है। तो पैटर्न लॉक को रिसेट करने के लिए या पिन लॉक है या पैटर्न लॉक है उसे रिसेट करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट एफएस पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप फॉर्मेट एफएस पे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर में जो है आपका मोबाइल जो है कंप्लीट पूरी तरह से जो है फॉर्मेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है और मोबाइल जो है फॉर्मेट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप किसी हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।